अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, मेरा नाम शफीक शेख है, मैं फार्मेसिस्ट हूँ। स्टॉक मार्केट में कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करना कैसा है, जिसमें प्रोसेस ऐसा होता है कि कुछ क्रूड ऑयल के बैरल खरीदते हैं और उसको एक्सपायरी जो होती है वो वन या टू मंथ की एक्सपायरी होती है, जो भी XYZ, और उसके पहले उसको सेल आउट करना होता है, चाहे आप लॉस में रहो या फिर प्रॉफिट में रहो, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए बहनल भाई ने कमोडिटी मार्केट का क्वेश्चन किया कि उसकी एक साल की एक्सपायरी है और एक साल बाद उसको बेचना ही है। तो देखिए कोई चीज़ ऐसी जिसको आपको कंडीशन लगाई जा रही है कि इतने दिन रख के आपको बेचना है, तो इसका मीनिंग हुआ आप उसके ओनर नहीं हुए। ट्रेड के अंदर इस्लामिकली ट्रेड बिजनेस में ये कंपलसरी है कि चीज़ आपके पोजीशन में आ जाए। उसका पोजीशन हो सकता है फिजिकल ना हो, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसा मैंने पेमेंट कर दिया, दिल्ली से मेरा माल निकल गया, फिजिकल पोजीशन में नहीं आया, ट्रक्स में है, लेकिन वो मेरा माल है। अब अगर वो डूबेगा तो मेरा माल डूबा, समझ रहे आप, उसका लॉस होगा तो मेरा लॉस हुआ, पोजीशन हो गया एक तरह से, ठीक है, मेरे पास नहीं। तो आप कमोडिटी मार्केट में अगर आप बोल रहे एक साल में बेचना, ये तो आपका पोजीशन नहीं हुआ, इसका मतलब वो चीज़ आप उसके ओनर ही नहीं बने। क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता कोई कहे कि एक साल तक घर आपका मुनाफा है, नुकसान हो, एक साल बाद आपको बेचना पड़ेगा, तो मैं उसका ओनर नहीं हो रहा इसके अंदर प्रोडक्ट का। अच्छा, इसमें ये तो ठीक है आप जो बोल रहे हैं कमोडिटी मार्केट में, या फिर जिसको कहेंगे स्पेशली जो मेटल्स का जो मार्केट है, इसमें तो हाल ये कि उसमें चीज़ें है ही नहीं, सब फेक मार्केट है। मतलब पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, मतलब कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, सिर्फ आपको बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट है जो कहीं तो भी गोडाउन में रखा हुआ है, कौन से गोडाउन उनको भी नहीं पता है वो, और आपके नाम से बुक है वो। तो पता चला खाली आपसे पैसा लिया जा रहा है, पैसे की बुकिंग की जा रही है, पैसा ही रखा जा रहा है और पैसे पे ही आपको पैसा वापस दिया जाता है। एक्चुअल फील्ड में कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं है। खास तौर से आप सिल्वर का मार्केट ले ले और गोल्ड का मार्केट ले ले, कॉपर ले ले, उसमें आप मेटल आपके नाम पे होता ही नहीं है कभी। खाली वो क्या कर रहे हैं मालूम आपको, आपके नाम पे हो गया कॉपर बार का नंबर आपकी ये, गोल्ड बार का नंबर आपका ये है, फलां ये है, मैं सिल्वर बार का नंबर ये, और वो सिंगापुर में एक बैंक में रखा हुआ, अगर जाना है तो वहाँ जाके ले लो, पागल बातें हैं क्या, ना वो कोई बैंक में है ना उसका है। ये सब सूडो है, याद रखिए, पूरा एक गेम झूठा बनाया हुआ है। तो लिहाजा कोई चीज़ अगर आपके पोजीशन में ही नहीं आती हो और कंडीशन ये कि खरीदो और एक साल में वो खुद बेच देंगे, चाहे आपको नुकसान हो या फायदा हो, तो जाहिर सी बात है जब आप उसके ओनर ही नहीं है तो वो चीज़ वो ट्रेड दुरुस्त ही नहीं हुआ। आप ओनर होना चाहिए और ओनरशिप के बाद आप जब चाहे उसको बेचे, जब तक चाहे अपने पोजीशन में रखे, जब चाहे करे। और मैं समझता हूँ कम्योडिटी मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ फेक है। कोई बोल रहा कि आप प्याज भी ले रहे कम्योडिटी मार्केट में, प्याज मैंने स्टॉक कर लिया, प्याज कितने तक स्टॉक रह सकता है, सब फेक है वो, प्याज के नाम से पैसा ले लिया गया, खामोखा मार्केट रोज ऊपर नीचे हो रहा है, और आप बोले तो असली प्याज आपको कभी मिलने वाली नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें फेक होती है, सूडो है, झूठी है, ऑनलाइन सिर्फ बताया जा रहा है, एक्चुअल होती नहीं है। मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एहतियात करके फूक फूक कर कदम रखें, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चंद लोगों को बोलते हैं, बड़ा फख्र से बोलते हैं, खुश होते हैं, और डूबने के बाद चूँ भी नहीं करते, खामोशी से बस दुआ करते थे अल्लाह आखिर में बदला दे दे मेरे को इसका, बस क्या करेंगे हम, कुछ होते हैं कुछ कर भी नहीं सकते, आप समझ रहे हो, आप समझ रहे। लेकिन शेयर मार्केट में आपको लॉस हुआ आज, आपको मानो फिजिकली कंपनी को लॉस कभी नहीं होता जिसमें आपने शेयर में इन्वेस्ट किया था, लेकिन मार्केट की वजह से आपको लॉस तो हुआ। कभी आपने सुना कि कंपनी गिरी जिसके शेयर गिरे उसको लॉस उसने डिक्लेयर किया वो कंपनी ने ये साल? तो आप देख रहे हैं मार्केट एक अलग चीज़ है और एक्चुअल कंपनी चल रही वो एक अलग चीज़ है। तो समझिए बहरहाल बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करने की बहरहाल ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।